दोस्तों, माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जिनकी उपलब्धियां बताने के लिए इनका नाम ही काफी है। दुनिया भर के करोड़ों डांसर सम्मान में सिर झुका देते हैं, बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मर इनकी पूजा करके स्टेज पे कदम रखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके घर के सामने चाहने वालों से ज्यादा डॉक्टरों की लाइन लगे रहते थे? क्यों उन्होंने अपने घर को ही अस्पताल में बदल दिया था? और वो कौन सी वजह है जिसने माइकल जैक्सन जितने इतने बड़े सुपरस्टार को मौत की गोद में सुला दिया? आज के इस वीडियो में आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पन्नों में झांकने का मौका मिलेगा जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जिस माइकल जैक्सन को देखकर स्टेज पर लाखों करोड़ों लोग झूमना शुरू कर देते थे, क्या आपको मालूम है कि उसी माइकल जैक्सन को अपने चेहरे से नफरत थी? वो कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके घर में एक भी आईना नहीं था। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन टोपी भी इसलिए लगा के रखते थे ताकि कोई भी उनके चेहरे को न देख सके। कई बार तो माइकल जैक्सन अपने चेहरे को लेकर रोना भी शुरू कर देते थे। जिस माइकल जैक्सन के डांस मूव्स को लड़के बाथरूम में कॉपी करते थे, जिनके लंबे बालों को देखकर लड़कियां भी शर्मा जाती थीं, उसी माइकल जैक्सन को अपने पूरे अस्तित्व से नफरत थी। तभी तो वो कभी भी किसी के सामने ज्यादा बोलते नहीं थे, न ही उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद था। और अगर वो कभी किसी से मिलते भी थे, तब भी अपने हाथों में दस्ताने पहन के रखते थे, जिसे लेकर बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की बातें कही। कुछ लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन अपने स्टारडम के चक्कर में किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, तो कुछ का कहना है कि माइकल जैक्सन के मेडिकल कंडीशन की वजह से वो अपने हाथों में दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाते थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि माइकल जैक्सन अपने पूरे शरीर पे हर रोज दर्जनों इंजेक्शन लगाते थे, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का बहुत ही ज्यादा डर था। अब आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए उतरता था तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। इनके नाच गाने को देखकर लोग खुद को रोक नहीं पाते थे और पागल हो जाते थे। लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इनका सुरूर छाया हुआ था, और यही वजह है कि आज तक डांसिंग की दुनिया में कोई भी माइकल जैक्सन को नहीं हरा पाया। पर जिस शख्स ने इतना ज्यादा नाम और इतनी ज्यादा शोहरत कमाई, उसे गुमनामी की जिंदगी क्यों जीनी पड़ी? क्यों माइकल जैक्सन के मन में डर बैठ गया था, और ऐसी क्या वजह है कि वो इस दुनिया से दूर चले जाना चाहते थे? दोस्तों, जब तक माइकल जैक्सन जिंदा थे, उनका सड़कों पर निकलना तक मुश्किल था, क्योंकि लोग इन्हें जहां कहीं भी देखते थे बौखला जाते थे और इनके पीछे पीछे भागने लगते थे। लोगों की भीड़ को संभालने के लिए फौजें बुलाई जाते थे। लोग केवल इनका एक ऑटोग्राफ पाने के लिए एक दूसरे को मार गिराने तक को तैयार हो जाते थे। अब ये समझ लीजिए कि अगर माइकल जैक्सन ने पब्लिक प्लेस पे कदम रख दिया, तो वो जगह पब्लिक प्लेस कम और जंग का अखाड़ा ज्यादा बन जाते थे, जहां लोग इनके नजदीक जाने के लिए दंगे कर देते थे। इसलिए माइकल जैक्सन को पब्लिक प्लेसेस पे बहुत कम ही लोगों ने देखा है। पर जब कभी भी माइकल जैक्सन अपने शो वगैरह के अलावा देखे गए हैं, तो उनका चेहरा हमेशा एक बड़ी टोपी से ढका रहता था। यहाँ तक कि उनके बाल भी उनके चेहरे को पूरी तरह से कवर करते थे, यानी कि माइकल जैक्सन अपना चेहरा दिखाने से हमेशा ही कतराते थे। अब आप सोचेंगे कि भला इतना बड़ा सुपरस्टार लोगों से अपना चेहरा क्यों छुपाता था? तो दोस्तों, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है खुद से नफरत। जी हाँ, माइकल जैक्सन ने लालच में आकर अपने चेहरे का जो हाल कर दिया था, उसके बाद उन्हें भयानक दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ा, जिसके बाद माइकल जैक्सन को अपने खुद के चेहरे से नफरत हो गई थी। क्योंकि जिस चेहरे को पाने के लिए जिस इंसान का पूरा शरीर खराब हो जाए, वो चेहरा भला किसे पसंद आएगा? और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि माइकल जैक्सन के करीब रहने वाले लोगों ने खुद ये बात मानी है कि माइकल जैक्सन अपने आप को दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान समझते थे। वैसे बात काफी ज्यादा हैरान करती है कि जिस चेहरे को देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे, उसी चेहरे को माइकल जैक्सन एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहते थे। असल में माइकल जैक्सन के लिए खूबसूरती के मायने कुछ और ही थे। उन्हें अपने सांवलेपन से दिक्कत नहीं थी, बल्कि असली दिक्कत तो समाज के नजरिए ने पैदा की थी। और इन सबके पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद माइकल जैक्सन के पिता का था, जहां बचपन से ही माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बेटे के दिमाग में नफरत का ऐसा बीज बोया जो पूरी जिंदगी माइकल जैक्सन के जहन में उबाल मारता रहा। बात कुछ ऐसी थी कि जब माइकल जैक्सन किशोरावस्था में आए, तो लोग उन्हें पहचानने लगे थे। वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके चेहरे पर दाग धब्बे और दाने भी बढ़ रहे थे, और ये चीज माइकल जैक्सन के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो शुरुआत से ही इन्हें रोकते थे कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने चेहरे को साफ करवाओ। अपने पिता के मुंह से निकले इन बातों को सुनकर माइकल जैक्सन काफी उदास हुए, और इन बातों ने उनके दिमाग में कब्जा जमा लिया, जिसके बाद माइकल जैक्सन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोच रहे थे कि कैसे भी करके बस उन्हें अपने इस बदसूरत चेहरे को ठीक करवाना है। और यही कारण है कि माइकल जैक्सन हमेशा अपना चेहरा छुपाकर रखने की कोशिश करते थे, और न ही इन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता था। और ये सब कुछ माइकल जैक्सन के पिता द्वारा कही जाने वाली बातों का असर था, जिसने माइकल जैक्सन के मन में ये बात बैठा दी थी कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं। और इसी चीज को ठीक करवाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की कई सारी सर्जरी करवाई, ताकि वो अपने चेहरे के दाग धब्बे और कालेपन को हटाकर एक सुंदर और सफेद चेहरा पा सकें। लेकिन इस तरह का बनावटी चेहरा सर्जरी के जरिए पाने की जिद ने माइकल जैक्सन को इतने बुरे हालातों पर लाकर खड़ा कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आज माइकल जैक्सन ने अगर ये बड़ा कदम ना उठाया होता तो आज वो जिंदा होते और हमारे बीच और भी कई सारे परफॉर्मेंसेस दे रहे होते। दोस्तों, माइकल जैक्सन के करीब रहने वाले लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन जब कभी भी घर से बाहर निकलते थे तो वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि उनका चेहरा अच्छी तरह से कवर हो। यही वजह है कि माइकल जैक्सन अक्सर अपने बालों को खोलकर काले चश्मे और टोपी का सहारा लेते थे ताकि इनका आधे से ज्यादा चेहरा कवर हो सके। तभी तो अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखने वाला शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। लेकिन माइकल जैक्सन के मरने के बाद जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत ही हैरान करने वाली चीजें सामने आईं, जहां डॉक्टरों ने बताया कि जिस वक्त माइकल जैक्सन की मौत हुई उस वक्त उनका शरीर टूटे हुए पिंजरे की तरह हो गया था। इनके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट चुके थे, कई सारी ऐसी भी हड्डियां थी जो गल चुके थे, शरीर पर सैकड़ों इंजेक्शन के निशान मौजूद थे। और जब पूरे मामले की छानबीन हुई तो पता चला कि माइकल जैक्सन ने कई बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी जिस कारण वो काफी दर्द में रहते थे। उसी दर्द को कम करने के लिए उन्होंने टैबलेट और कैप्सूल खाने शुरू कर दिया और फिर टैबलेट के ओवरडोज ने उनके शरीर को खोखला कर दिया जिसकी वजह से माइकल जैक्सन को मौत का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की असली कहानी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें।